हे गाइस, आई एम अमन और आज हम क्वेश्चन करने वाले हैं स्पीड, जो कि हैकर अर्थ के एरेज के 1D टॉपिक से लिया गया है। इस क्वेश्चन में रेस नाम का एक बंदा है जो रेसिंग स्पोर्ट्स को बहुत ही अच्छा मानता है, तो वहाँ पे वो रेस देखने जाता है। एक वहाँ पे रेस में क्या है कि एक बहुत स्ट्रेट लॉन्ग स्ट्रेट रोड है और उस रोड में मतलब कुछ कार्स हैं जो आपस में रेस करेंगी, ठीक है। लेकिन जो कार्स हैं वहाँ पे, वो कोई भी कार किसी दूसरी कार को ओवरटेक नहीं कर सकती, ये रूल है वहाँ का। और हमें कार्स की स्पीड गिवन होगी, लेकिन क्या होगा कि अगर किसी कार के सामने कोई कार की स्पीड अगर 10 है जैसे, और दूसरी कार की स्पीड उससे कम है, लाइक 5 है, तो अगर 5 वाली कार उसके आगे होगी तो इस कार को, 10 वाली कार को अपनी स्पीड स्लो डाउन करनी पड़ेगी, क्योंकि ये ओवरटेक तो कर नहीं सकती, तो इसे अपनी स्पीड को स्लो डाउन करना पड़ेगा, ठीक है। तो ऐसी कुछ कंडीशंस हैं। तो अब जो हमें ये इसमें गिवन होगा, तो हमें इसमें क्या करना है कि इसमें हमें बेसिकली ये फाइंड आउट करना है कि कितनी कार्स हैं जो अपनी टॉप स्पीड, मैक्सिमम स्पीड जो गिवन है उस पर चलेंगी। मतलब टोटल कार में से हमें वाली कार को माइनस भी कर सकते हैं जो कार्स को अपनी स्पीड स्लो डाउन करनी पड़ेगी, ठीक है। तो यही इसकी प्रॉब्लम स्टेटमेंट है। इनपुट को देखते हैं। इनपुट में हमें नंबर ऑफ टेस्ट केसेस गिवन है, उसके बाद टेस्ट केसेस में फर्स्ट लाइन में हमें एन गिवन होगा, नंबर ऑफ कार्स, और उसके बाद स्पीड ऑफ द कार्स। आउटपुट हमें करना है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ मतलब कार्स, टोटल नंबर ऑफ कार्स विच आर मूविंग ऑन एट देयर मैक्सिमम स्पीड, ओके, जो स्लो डाउन नहीं करेंगी। तो हमें कंस्ट्रेंट्स गिवन है टेस्ट केसेस के 1 to 100, और एन नंबर ऑफ कार्स 1 to 10 5, स्पीड हमें 1 to 10 9 गिवन है, उसके बाद ये हमें सैम्पल इनपुट आउटपुट गिवन है। तो हम इसको पहले देखते हैं कि इसमें हम कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को, मतलब क्वेश्चन समझते हैं। तो लेट अस टेक 8 3 6, ओके, तीन कार हमें गिवन है। अब इसमें क्या ही है, हमें सीरियल ऑर्डर में गिवन है, तो जो पहली कार है वो 8 की स्पीड से चल रही है, ठीक है। तो जो 8 की स्पीड से चल रही है उसके पहले तो कोई कार है नहीं, तो ये तो अपनी टॉप स्पीड में चलेगी, ठीक है, ये फिक्स है। उसके बाद क्या है, तो हमारी एक कार तो टॉप स्पीड में चलेगी। अब हमारी जो 3 वाली कार है, ये वाली 3 को अब हमें क्या करना है, अब हम 3 को कंपेयर करेंगे 8 से, ठीक है। तो 3 वाले के आगे 8 वाली कार है, और 8 वाली जो जिसकी स्पीड 8 है वो तो ज़्यादा स्पीड है, तो वो तो अपनी स्पीड पे चलेगी, तो और 3 वाली को कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगी क्योंकि 3 वाली तो उसके पीछे है, तो 3 वाली भी अपनी स्पीड पे चलेगी, तो इसका मतलब ये भी टॉप स्पीड पे चलेगी। तो हमारे पे 2 कार हो गई जो टॉप स्पीड से चल रही है, ठीक है। उसके बाद है 6। अब 6 क्या है, 6 को हम कंपेयर करेंगे 3 से, ठीक है, 8 से नहीं करेंगे, सिर्फ 3 से करेंगे, क्योंकि ये 3 के बाद चलेगी। लेकिन 3 के बाद, अब इस 3 की स्पीड तो मतलब 3 वाली की स्पीड तो कम है और 6 वाले की ज़्यादा है, तो ये ओवरटेक हम कर नहीं सकते। तो ये वाली जो कार है इसको अपनी स्पीड स्लो डाउन करनी पड़ेगी, इसे अपनी स्पीड मतलब 3 करनी पड़ेगी ना, तभी तो ये उसके पीछे चलेगी। तो अब यहाँ पे ये वाली कार को स्लो डाउन करनी पड़ेगी, तो इस वाली कार को इंक्लूड नहीं करेंगे, तो टोटल हमारा आंसर 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 कार अपनी टॉप स्पीड पर चल रही है, ठीक है, 8 और 3। तो जैसे ये केस है, तो ऐसे ही हमारे पे, तो ऐसे ही हमें करना है कि हमें कुछ ऐसी मतलब ऐसे कुछ मेथड लगाना है, ऐसा कोड करना है कि हमारे ये वाली प्रॉब्लम सॉल्व हो जाए। जैसे अगर हम दूसरा केस लें, दूसरा केस 4 5 1 2 3, ठीक है, 4 5 1 2 3, ठीक है। इसमें क्या होगा, 4 वाली टॉप स्पीड पे चलेगी क्योंकि ये पहली कार है, तो इसको तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। 5 वाली अब क्या होगा, 5 वाली 4 से कम है, तो ये तो नहीं चलेगी, ठीक है। अब 1 वाली को देखते हैं, इस वाली ने अपनी स्पीड स्लो कर ली 5 वाली ने, 1 वाली जो है इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, क्योंकि 1 वाली को हम कंपेयर करेंगे 4 वाली से, ठीक है, क्योंकि 4 तो अभी तक टॉप स्पीड है, 5 तो कम कर, 5 की स्पीड तो कम हो गई, ठीक है, 5 को अपने 4 करनी पड़ेगी स्पीड। तो 1 को 4 से जब कंपेयर करा तो 1 तो कम है, तो ये वाली भी अपनी टॉप स्पीड पर चलेगी, इसे भी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक है। तो ये 2 कार वहाँ पे होगी, ठीक है। अब जो टॉप स्पीड है वो 1 है, ठीक है, मतलब बाकी सारी कार की स्पीड 1 से कम होनी चाहिए, लेकिन इसकी स्पीड 2 है, और 2 वाली अब 1 के पीछे चल रही है तो ओवरटेक कर नहीं सकती, तो ये वाली इसको स्लो डाउन करना पड़ेगा, तो इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे, ठीक है, 1 टॉप स्पीड है, क्योंकि 3 वाली जो है इसके आगे 1 वाली चल रही है, तो ये भी नहीं कर सकता इसको ओवरटेक, तो इसको भी स्लो डाउन करना पड़ेगा, तो इसमें भी हमारा आंसर 2 आ जाएगा, ठीक है, 4 और 1। तो हमें ऐसे करना है। अब हम क्या कर सकते हैं इस क्वेश्चन में, इसको सॉल्व करने के लिए ना हम कुछ ऐसा करेंगे कि हम एक वेरिएबल ले लेंगे जो हमारा होगा टॉप स्पीड, ठीक है। मतलब जैसे हमने पहले तो हमने ले लिया, हमने पहले हम लेट कर लेंगे कि जो टॉप स्पीड है अभी के टाइम पे, वो हमारी जो पहले वाला हमें गिवन है ना, पहला कैरेक्टर मतलब पहला नंबर 4, उसकी मतलब हम मान लेंगे 4+1 है, ठीक है, हम 4+1 मान लेंगे, यानी 5 मान लेंगे उसको टॉप स्पीड। फिर हम चेक करेंगे कि
कि जो फोर है, अब जैसे हमारा पहला वाला तो कम है इससे, फोर तो फाइव से कम है, तो फोर अपना टॉप स्पीड भी चलेगा। तो हम एक वेरिएबल लेंगे आंसर, उसको हम उसकी वैल्यू अपडेट कर देंगे, ठीक है, प्लस प्लस कर देंगे। अब हम क्या करेंगे, टॉप स्पीड को हम फिर, अब फाइव नहीं रहेगी, अब टॉप स्पीड को हम वो कर देंगे जो हमारा अभी नंबर आया है, ठीक है, जैसे फोर आया तो फोर कर देंगे। उसके बाद फाइव को, अब फाइव जब अगले नंबर पे जाएंगे ना एरे के, तो हम फाइव को कंपेयर करेंगे फिर से टॉप स्पीड से। अब तो ये तो कम है, फोर है, तो अगर ये फोर है तो ये भी नहीं चल सकती अपने टॉप स्पीड पे, तो हम आंसर को अप प्लस नहीं करेंगे, ठीक है, अप प्लस प्लस नहीं करेंगे, क्योंकि ये टॉप स्पीड पे नहीं चल सकती। जो नंबर है उसको छोटा होना चाहिए, वन आएगा, फिर वन जब आएगा, वन को फोर से कंपेयर करेंगे तो ये तो टॉप स्पीड से कम है, तो इसका मतलब इसमें हमारा आंसर प्लस प्लस हो जाएगा, ठीक है, आंसर प्लस प्लस हो जाएगा, और जो टॉप स्पीड की नई वैल्यू आ जाएगी, टॉप स्पीड की नई वैल्यू आ जाएगी हमारी वन, ठीक है, क्योंकि वन अब मतलब उससे कम था। उसके बाद हम टू को चेक करेंगे वन से, तो ये कंपेरेबल नहीं होगा, आंसर अपडेट नहीं करेंगे। थ्री को करेंगे तो ये भी नहीं करेंगे, तो आंसर ऐसे हमारा आंसर डायरेक्टली हमें निकल जाएगा टू, ठीक है। बेसिकली हम ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। अब इसका कोड देख लेते हैं हम। कोड ऐसे किया है कि हमने इंट टेस्ट केसेस ले लिए पहले, उसके बाद हमने वाइल लूप चला दिया, ठीक है, उसके बाद हमने इंट एन सीन एन, उसके बाद एक एरे बना दिया, ये एन हमारा नंबर ऑफ कार्स हो गया, एरे बना दिया कार के लिए, उसके बाद सारे कार को इनपुट कर लिया, ठीक है, जो भी स्पीड है उनकी। उसके बाद हमने एक आंसर वेरिएबल ले लिया, जीरो से इनिशियलाइज कर दिया, मिनिमम वेरिएबल ले लिया जिसको हमने ए ऑफ जीरो प्लस वन कर दिया, ठीक है, क्योंकि हम ए ऑफ जीरो भी कंपेयर कर रहे हैं, तो इसलिए ऐसा ले लिया इसको। उसके बाद फोर लूप चलाया सारे एलिमेंट्स के लिए, उसके बाद अगर ए आई जो है वो लेस देन एम आई है, ठीक है, मिनिमम से कम है, तो हम आंसर को अपडेट कर देते हैं और मिनिमम को भी अपडेट कर देते हैं, ए आई ले लेते हैं, ठीक है, जो अब नया नंबर आया कम वाला। और उसके बाद ये आंसर अपडेट होता रहता है, जैसे जैसे हमें मतलब उससे टॉप स्पीड से कम वैल्यू मिलती रहती है, उसके बाद लास्ट में हम सी आउट कर देते हैं आंसर को, सो इससे हमारा आंसर आ जाता है। एक्सेप्टेड, ठीक है, सो ऐसी कोड होगा। दैट्स ऑल गाइस, थैंक यू।